एक युवा बना युवाओं की प्रेरणा। आज जहां देश के लचर सिस्टम के बढ़ती महंगाई और घटते रोजगार के कारण डिप्रेशन में गुमराह होते युवाओं के बीच उन्हें हौसला देने व उनके अंदर जीतने आत्मविश्वास जागृत करा जीवन की दिशा व दिशा सुधारने के वास्ते अपने पत्रकारिता व एक्टिंग करियर को तिलांजलि दे चुके राजस्थान के रहने वाले युवा लेखक व नेशनल मोटिवेटर श्याम यादव का जीवन युवाओं की प्रेरणा बन चुका है। हमारी बातचीत में उन्होंने बताया कि आज यूथ की समस्या है कि उसे सही राह दिखाने वाला तथा जीवन का सही मतलब समझाने वाला चाहिए, उनके निराश जीवन में आशा की किरण जगाने वाला होना चाहिए और यही कार्य हम मोटिवेशनल स्पीकर करते हैं। यही कारण है कि युवा हमें प्यार और सम्मान देते हैं। जय भारत, जय हिंद। मेरे नौजवान साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आज हमारे देश में बेरोजगारी जो एक चुनौती बनकर उभर रही है, उसका सबसे बड़ा कारण कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम है, हमारी एजुकेशन प्रणाली है, और उसमें कहीं ना कहीं योगदान युवाओं का ही है। युवा पहली बात तो इस बात को नहीं समझ पाते हैं, वो ये डिसीजन नहीं कर पाते हैं कि उन्हें आखिरकार करना क्या है। वो किसी की बातों में आकर कभी इस तरफ मूव होते हैं और कभी इस तरफ मूव होते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है, सबसे पहले हमें 3D का फॉलो करना होगा। सबसे पहले हमें डिटरमाइन करना होगा। जब डिटरमाइन करेंगे किसी गोल के प्रति हमारा, जब तक दृढ़ता नहीं होगी, कोई लक्ष्य नहीं बनाएंगे, तब तक हम लोग कोई कार्य नहीं कर सकते। फिर हमें उसके प्रति डेडिकेशन होना चाहिए। जब हमने गोल बना लिया तो पूरी तरह उसी गोल के प्रति, यानी कि जो एक बार डिसीजन आपने ले लिया तो पीछे मुड़ करके नहीं देखना है, उसके प्रति जितना ज्यादा समर्पण भाव होगा तभी जाकर के आपको सफलता मिलेगी। और तीसरा डी होता है डिसिप्लिन। बिना डिसिप्लिन के जीवन में आप कभी भी ऊंचाइयों को छू नहीं सकते। जब भी कोई भी विद्यार्थी हो या कोई भी हमारा बिजनेस हो सकता है, इनमें हमें डिसिप्लिन बहुत ही जरूरी है कि हम लोग अपना टाइम पे वर्क करें और जो भी हमारी प्लानिंग है उसके साथ में कार्य करें। और मेरे नौजवान साथियों, जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आपको अपने लिए ना सही मगर अपने माता पिता के सपनों के लिए काम करना चाहिए। तो जरा सोचने की कोशिश कीजिएगा, उनके सपनों के बारे में सोचने की कोशिश कीजिएगा। जिस दिन आप उनके सपनों के बारे में सोचना शुरू कर देंगे, उस दिन मैं कह रहा हूं कि आप लोग जिंदगी में कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखोगे। क्योंकि बार बार जब भी आप टूटने की कोशिश करें, अपने माता पिता के सपनों को याद कीजिएगा कि वो मां रात भर जाग रही है सिर्फ आपके लिए, और चारों तरफ ये कह रही है कि मेरा बेटा एक दिन मेरा नाम रोशन करेगा, एक दिन बहुत बड़े पद पर पहुंचेगा, बहुत मेहनत कर रहा है। और आप अगर जाकर के आवारगी कर रहे हैं, और अगर आप अनसक्सेस हो रहे हैं, आप अनसक्सेस नहीं हो रहे, आप अपने माता पिता के सपनों को तोड़ रहे हैं। तो क्या आप ये चाहेंगे दोस्तों? तो सबसे पहले जब भी आप टूटने की कोशिश करें, अपने माता पिता के सपनों को याद करें, आप कभी टूट नहीं पाएंगे। और मैंने कहा कि 3D का फॉलो करना आपको बेहद जरूरी है। जब तक आप लोगों में ये भावनाएं नहीं आएंगी, डिटरमाइन नहीं होगा, डेडिकेशन नहीं होगा और डिसिप्लिन नहीं होगा, तब तक सफलताएं अचीव नहीं हो पाएंगी। और ऐसा कोई मुकाम नहीं है जिसे आप हासिल नहीं कर सकते। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं बनी है जिसे आदमी हासिल नहीं कर सकता, बशर्ते कि उसके प्रति पूरी मेहनत के साथ, उसके साथ लगन के साथ लग जाए। आप ध्रुव का एग्जाम्पल ले लीजिएगा। ध्रुव सबसे छोटा भक्त माना जाता है, वो जानता भी नहीं था कि भगवान क्या होता है, भगवान विष्णु कौन है, मगर एक थी कि भगवान विष्णु के दर्शन करने तो करने, और जिद कर ली उसने। उसके होंठ सूख रहे हैं मगर सब चीजें होने के बावजूद वो सिर्फ उस मंत्र का उच्चारण कर रहा था। वो जानता भी नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, और भाग्य भादुओं का साथ देता है दोस्तों। इसलिए आप लोगों को कर्म करना है। भगवान श्री कृष्ण गीता में इसी बात को बार बार दोहरा रहे हैं कि कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है। और ये बात भी निश्चित है कि कर्म हमें करना है, परिणाम पर हमें फोकस नहीं करना है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने साफ साफ शब्दों में अर्जुन से कहा था कि अच्छे नियत से किए गए कार्य का परिणाम भी अच्छा होता है, और अगर आपकी नियत ही बुरी थी तो उसका परिणाम भी बुरा ही होगा, मगर परिणाम अवश्य मिलेगा। इसलिए कर्म की तरफ फोकस करो, अपने कार्य की तरफ अग्रसर हो जाओ, और एक बार जो डिसीजन ले लिया है तो पीछे मुड़ करके नहीं देखना। फिर देखना, एक दिन आप ऊंचाइयों की बुलंदियों को छू लेंगे। जय भारत, जय हिंद।